जब दमोह जिले के सभी मतदान केंद्रों से चुनाव संपन्न करवाकर मतदान दल ईवीएम मशीनें लेकर सभी पीठासीन अधिकारी सहित तमाम मतदान अधिकारी शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने निर्वाचन कंट्रोल रूम मशीनें देर रात तक मतदान की सारी सामग्री जमा कर चुके थे, तब रात 10:15 पर दमोह के एक मतदान केंद्र पर मशीनों सहित अधिकारी क्या करते रहे, ये बड़ा सवाल। मतदान खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों से मशीनें और सामग्री भले वक्त पर निर्वाचन कंट्रोल रूम में जमा हो गई हो, लेकिन दमोह के जैन कन्याशाला में मतदान केंद्र 111 में पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 मतदान अधिकारी चारों मिलकर यहां रात 10:15 तक क्या करते रहे। ईवीएम मशीनें साथ रखकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में कोई गड़बड़ी हो जाए मशीनों के साथ या मतदान अधिकारियों के साथ तो कौन होगा जिम्मेदार। जब भारतीय न्यूज संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने मौके पर जाकर जायजा लिया तो अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे और कैमरा देखकर वहां से रफू चक्कर होने लगे। आइए दिखाते हैं ये हकीकत। इस पर कांग्रेसियों ने विरोध जताया और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाए। क्यों भैया, पोलिंग एजेंट तो हमको कोई नहीं दिखे आपके यहाँ पर। जब मैं आया सर जी हमारे साथ ये क्यों सर, ही सर ने बोलने का एक जिम्मेदारी ले रखी है हमें। आप ये बताइए सर, मैं आपसे इत्मीनान से बात कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया मुझे कोई भी पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं मिला। अच्छा, और दूसरे इस पोलिंग बूथ पे भी ऐसा ही? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, हमारे दूसरे मतदान केंद्रों पे भी यही स्थिति रही होगी क्या रात में? मैं नहीं कह सकता, हाँ काम ज्यादा था। चलिए चलिए, हो गया। साइड हो भाई, थोड़ा सा साइड हो। देखिए, 16 तारीख की जो घटना हुई मीडिया के सामने हुई, माननीय भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी, सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, राजेंद्र सिंह जी के नाम पे उस पर चुनाव आयोग का स्टिकर था, मध्य प्रदेश शासन का पार्किंग का स्टिकर था, उस गाड़ी में पैसे थे, 500 के नोट थे, वो सभी ने देखा। उस गाड़ी की चेकिंग नहीं करी गई और उसको पुलिस संरक्षण में भागने का मौका दिया गया। बीती रात भी हम लोगों ने सुना कि इसी तरह से कई पोलिंग सेंटरों में रात को 10 बजे तक शहरी क्षेत्र के पूलिंग सेंटर से मशीन नहीं गई थी, ना वहाँ कोई एजेंट था, ना हमारा एजेंट था, ना पता नहीं और बाकी किसी का, लेकिन हमारा एजेंट नहीं था और 10 बजे रात तक ये लोग मशीन लेके बैठे रहे। अब क्या मंशा शासन के लोग हैं, वो क्या क्या करवा रहे हैं इन अधिकारियों और कर्मचारियों से? मैं सीधी सीधी बात ये कहता हूँ, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई दिनों से चलाया जा रहा है और शासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और मशीनों में भी यदि गड़बड़ी हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 बजे रात तक मशीनों को होल्ड करके रखना, आप सब भी जानते हैं कि शहर का मामला है, 10-15 मिनट के अंदर वो अपने स्ट्रांग रूम जा सकती थी मशीन, 7 बजे बंद हो गई थी, लेकिन वो मशीन 10 बजे रात तक वहां क्या कर रही थी? ये सवाल उठता है और शंका पैदा होती है। और जब हम लोगों ने देख लिया कि पुलिस संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं, शासन प्रशासन आंख मूंद के बैठा है और उनको सपोर्ट करता है, क्या होना चाहिए? आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जिन लोग वहां मौजूद थे कन्याशाला में पूलिंग सेंटर नंबर 111 में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आप लोग कैसे बैठे थे रात को 10 बजे तक मशीन लेके, और उस मशीन की विशेष तौर पर जांच करना चाहिए, कितने वोट पड़े, कितने वोट निकले, वीवीपैट की मशीन से उसको वेरीफाई होना चाहिए, और कब लॉक की गई ये भी देखना चाहिए जी। इस प्रथम दमोह के मतदान क्रमांक 111 जैन मंदिर के सामने, यहाँ ऊपर लिखा है जैन कन्याशाला, जहाँ पर यह मतदान केंद्र बनाया गया था 111, जहाँ पर यह पाया गया है के मतदान का वक्त था 7:00 से 7:00 तक, लेकिन अभी वक्त हुआ है 10:15 और 10:15 पर यहाँ पर मशीनें पाई गई और 3 से 4 मशीनें यहाँ पर अधिकारी लिए बैठे रहे। आखिर वो 3-3.5 घंटे क्या करते रहे, ये एक सवाल खड़ा होता है। मज़े की बात तो ये रही कि इन अधिकारियों के बीच में किसी भी पार्टी का कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं दिखा।
आखिर 3.5 घंटा मतदान ख़त्म होने के बाद इनका साजो सामान भी कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा साजो सामान में 3.5 घंटे लगा दिए। जाहिर सी बात है कि एक सवाल खड़ा होता है, ये जो जांच का विषय है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.